Hello everyone, welcome to Sane Academy. My name is Shilpi Mukherjee. Today we will discuss about a huge discount. So, आ जाइए सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया खबर है इस महीने का. अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू ईयर के साथ, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आप सभी लोग बताइए कैसे है आप सब लोग, कैसे है आप सब लोग. कमेंट सेक्शन में थोड़ा मैं देख लेती हूँ, कमेंट सेक्शन में मैं देख लेती हूँ. गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. आज YouTube पे क्लास क्यों है? YouTube पे भी है और एप्लीकेशन में भी है. मैम मैम आप बताइए, मैं बहुत सही हूँ, मैं अच्छी हूँ, आप सभी के ब्लेसिंग्स में मैं सब ठीक चल रहा है मेरा भी. आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे है, आप लोग कैसे है. एग्जाम तो खत्म हो गया है और आप लोग वेटिंग पीरियड में है कि आंसर की कब आएगा. और कुछ लोग हैं जो इस बार एग्जाम, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग हैं जो 2024 जून के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए आज ये खबर. मैम साउंड आर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. मैम सिलेबस कब आएगा, सिलेबस. अब ठीक है बताइए, अब ठीक है, अब ठीक है बताइए. चलिए आज जो इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर है, ठीक है. हैप्पी न्यू ईयर. इस ईयर बहुत ही हार्ड वर्क करिए और बहुत ज्यादा ग्रो करना है, ठीक है. 2023 हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ हम लोगों ने 2023 से पाया है, बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत ही हम लोग आगे बढ़ चुके हैं. और 2024 आप लोगों के लिए एक न्यू चैलेंज है एंड आई नो दैट यू विल ओवरकम ऑल द चैलेंज एंड यू विल शाइन. ओके जी मैम, ओके. बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर मैम, हैप्पी न्यू ईयर शुभाशीष, शुभाशीष वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. साउंड लाउड है, ओके ओके, थैंक यू कायनाथ जी. तो इज देयर सम न्यू अपडेट रिगार्डिंग नेट? यस, रिगार्डिंग नेट के लिए तो अपडेट क्या है, अपडेट यही है कि 2024 जून के लिए कोर्स चालू हो गया है. 2024 जून के लिए जो कोर्स एप्लीकेशन में चल रहा है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है. 2024 में 24% डिस्काउंट से आप सभी लोगों को लिए, ठीक है. ये ऑफर 3rd जनवरी 2024 तक है, तो आप सभी लोग इस ऑफर एक्सटेंड किया गया है. पहले ये 2nd जनवरी तक था, उसके बाद ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग इसको एक्सटेंड किए हैं. और इसी सेशन से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. क्या मिलेगा यहाँ से, आप अगर ये एप्लीकेशन सेन एकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 महीने एंड 6 महीने में कोर्स आप फुल एक्सेस कर सकते हैं. प्रीवियस जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं एंड आने वाले जो लाइव क्लासेस है उसको तो एक्सेस कर पाएंगे. तो 3 महीने का ऑफर है, 6 महीने का ऑफर है. मेरे हिसाब से 6 महीने का ऑफर बहुत बेस्ट है आप लोगों के लिए. यू कैन ज्वाइन एंड अवेल द ऑफर. Right, Rani. Happy New Year, ma'am. Now is better than previous. Can hear things now. Okay, okay. तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए. इसको ज्वाइन करने के लिए जो कूपन कोड है, सेन एकेडमी कूपन कोड है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है. इसको इस्तेमाल करके 24% ऑफर, ये इस ईयर में 24% ऑफर सबसे बड़ा ऑफर है. तो आप लोग प्लीज इसको ओपन कोड को अप्लाई करिए एंड 2024% का जो ऑफर है इसका मजा उठाइए. एंड उसके साथ साथ जो आपका प्रिपरेशन है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का उसको गियर अप करिए. उस प्रिपरेशन में एप्लीकेशन में हम लोग हर दिन, मतलब वीकली 5 डेज एप्लीकेशन में क्लास होता है, लाइव क्लास होता है एंड उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाता है. प्रीवियस जो क्लास ऑलरेडी क्लासेस है, मतलब प्रीवियस सेशन का भी क्लास आप एक्सेस कर पाएंगे. उसके साथ साथ इंटरैक्टिव लाइव सेशन हर रोज शाम को 7:30 से होता है,
7:30 से लाइव सेशन होता है जहां पे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलता है। उसके साथ साथ जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है ऑन क्लास में भी डाउट क्लियरिंग होता है और अलग से भी डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों के लिए रखा जाता है। एंड यूनिट बेस्ड प्रीवाईक्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एमसीक्यूज भी करना होता है। तो एमसीक्यूज जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होता है यहाँ पे यूनिटली आप लोगों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ नए साल में जो अपडेटेड सिलेबस आने वाला है 2024 में, उसको भी हम लोग कवर कराएंगे इसी कोर्स में। तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आप प्रिपरेशन को अच्छे से आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। और आज हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्लास में क्या हम लोग कवर करने वाले हैं वो भी बता देते हैं। आज का जो क्लास होगा एप्लीकेशन में वो है नॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में, फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस। तो चलिए थोड़ा बहुत फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस को यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, कवर करते हैं फोर थ्योरीज। गुड इवनिंग आशी जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस को थोड़ा इधर हम लोग पढ़ते हैं। रेडी है आप लोग कंटेंट कंज्यूम करने के लिए? रेडी है आप लोग? तो चलिए थोड़ा बहुत इधर आंसर की आने वाला है। आई एम एक्सट्रीमली नर्वस। डोंट गेट नर्वस आशी जी, आंसर की तो आएगा और आंसर की से आपको पता चल जाएगा। यू कैन चैलेंज, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपको क्या मतलब, तो पता चल जाएगा इंस्टेंट। आप लोग एप्लीकेशन में या फिर हम लोगों को कनेक्ट करेंगे, हम लोग उसको ढूंढेंगे, एक्चुअल आंसर निकालेंगे एंड देन वी विल डू टूगेदर। चैलेंज जो करेंगे एक हम लोग मिलके करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अकेले इसके बारे में सोच रहे, नहीं, हम सभी लोग इसके बारे में आप लोगों के साथ है, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर मैम, वेरी हैप्पी न्यू ईयर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग या फिर हम लोग थोड़ा कंटेंट कंज्यूम करते हैं? चलिए कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए तो देखिए आज हम लोग एप्लीकेशन में 7:30 का जो क्लास है वहां पे हम लोग फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस को कवर करेंगे। फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस किसका है? ये बुक है साइबर्ट पीटरसन एंड विल्बर श्राम। उन्होंने 1956 में जो बुक लिखा है, बुक का नाम है फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस। ये बुक बहुत ही पावरफुल एक बुक है। इस बुक में प्रेस एक आइडियल सोसाइटी में प्रेस का रोल क्या होगा इसके बारे में इस बुक में डिस्कशन हुआ है। तो नॉर्मेटिव थ्योरी को हम लोग अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो नॉर्मेटिव थ्योरी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी ये जो टर्म है इसको अगर डिवाइड करते हैं तो मिलेगा क्या, नॉर्म, नॉर्म एंड एटिव, नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव मीन्स नॉर्म्स, नियम। मीडिया को क्या करना है, मीडिया का प्रिंसिपल्स एक सोसाइटी में क्या होगा, सोसाइटल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा जाता है, राइट। तो द नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ प्रेस क्या है, इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट डील्स विथ सोसाइटल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नॉर्मेटिव थ्योरी में क्या होता है, नॉर्मेटिव थ्योरी इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट डील्स विथ सोसाइटल रोल। मैम मेरा तो दिल ही टूट गया है, 4 मार्क्स से सेट रह गया। अच्छा कोई बात नहीं मुजफ्फर हमिद, इस बार रह गया तो नेक्स्ट बार हो जाएगा, है ना, इस बार रह गया तो नेक्स्ट बार हो जाएगा, दिल मत दुखाइए। एक बार नहीं होता है तो हम लोग सीखते हैं, मेरा भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलिए थोड़ा कंटेंट को भी पढ़ लेते हैं इसके साथ साथ, आज जो क्लास में होगा एप्लीकेशन में उसके बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी है प्रेस, प्रेस प्रेस के बारे में एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया जाता है कि एक सोसाइटी में प्रेस का रोल क्या होगा, प्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मेटिव थ्योरी में। तो नॉर्मेटिव चार फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस में हम लोग पढ़ेंगे ऑथोरिटेरियन, लिबर्टेरियन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी। और ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी को अगर हम लोग डिवाइड करते देखेंगे, कहीं पे सोसाइटी ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी चलता है, किसी किसी सोसाइटी में थियोक्रेसी चलता है। तो सोसाइटी मतलब
देखिए ये एक वर्ल्ड मैप है, आप सोचिए रशिया में जो सोसाइटी मतलब वहां का आइडियोलॉजी, रशिया गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी जो है डेफिनेटली यूएस आइडियोलॉजी सेम नहीं है। तो रशिया में मीडिया जैसे फंक्शन करता है यूएस में नहीं करता है, यूएस में जैसे करता है रशिया में नहीं करता है, यूएस में जैसे करता है इंडिया में वैसे नहीं करता है, यूएस में इंडिया में जैसे करता है अफगानिस्तान में अलग रोल प्ले करता है प्रेस। तो डिफरेंट सोसाइटी में मीडिया का डिफरेंट डिफरेंट रोल जो है वो डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी कैसा है, सोसाइटी का आइडियोलॉजी कैसा है। तो सोसाइटी को अगर हम लोग देखेंगे, सोसाइटी ऑटोक्रेसी बेस्ड हो सकता है, डेमोक्रेसी बेस्ड हो सकता है, थियोक्रेसी बेस्ड भी हो सकता है। तो व्हाट इज ऑटोक्रेसी? ऑटोक्रेसी रेफर करता है, ऑटोक्रेसी रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर सुप्रीम पावर इज अ कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ऑटोक्रेसी क्या है? जहां पे सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में कंट्रोल होता है, सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में कंट्रोल होता है। एंड डेमोक्रेसी सोसाइटी में क्या होता है? डेमोक्रेसी इज अ वेरी मतलब वो बहुत ही आइडियल सोसाइटी है, लोग इसको डिजायर करता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पॉलिटिकल पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। यहाँ पे पीपल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी के ऊपर यहाँ पे डेमोक्रेसी में ध्यान दिया जाता है। एंड अनदर इज थियोक्रेसी। व्हाट इज थियोक्रेसी? थियोक्रेसी बहुत सारे जो कंट्री है जो थियोक्रेसी में बिलीव करता है। तो थियोक्रेसी गवर्नमेंट समटाइम्स बहुत ही रिजिड हो जाता है। तो ये समटाइम्स क्या होता है, थियोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रिलीजियस लीडर, जो जहां पे रिलीजियस लीडर पावर में रहता है। थियोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे वेयर द रिलीजियस लीडर्स इंस्टीट्यूशन होल्ड पॉलिटिकल पावर। यहाँ पे सुप्रीम मतलब आप अगर देखेंगे सुप्रीम लीडर कौन होते हैं, हु इज द हाई रैंकिंग रिलीजियस फिगर, सुप्रीम फिगर। मतलब जैसे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, वहां पे थियोक्रेसी में क्या होता है, जो हाई रैंकिंग रिलीजियस फिगर में होते हैं, हु इज हाई रैंकिंग रिलीजियस फिगर में होते हैं, वही सुप्रीम लीडर। लाइक आप ईरान को एग्जाम्पल के, ईरान कंट्री को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल ईरान क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो देश का नाम ही क्या है, ईरान इज ऑफन सीटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ थियोक्रेसी। द कंट्रीज ऑफिशियल नेम इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ये क्या है, कौन सा देश है? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी ऑटोक्रेसी जहां पे गवर्नमेंट सुप्रीम पावर में रहता है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो सिंगल हैंड में होता है। तो डेमोक्रेसी ये मतलब टाइप्स ऑफ सोसाइटी है। तो इसी सोसाइटी में ऑटोक्रेसी में मीडिया का रोल जैसा होगा, डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल उससे और भी ज्यादा होगा। मतलब रोल और भी ज्यादा, मतलब यहाँ पे मीडिया बहुत ही फ्री होंगे, होगा है ना, फ्री रोल प्ले करेंगे, फ्री प्रेस का आइडिया यहाँ पे स्प्रेड होगा। पर थियोक्रेसी में फ्री प्रेस का आइडिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ना होने का चांस भी ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है ऑटोक्रेसी, सोसाइटी कैसा है, सोसाइटी कैसा है, सोसाइटी बनता कैसे है। देखिए गवर्नमेंट, पीपल एंड मीडिया, यहाँ पे सोसाइटी का जो रोल होता है, सोसाइटी कैसा है ये डिपेंड करता है कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थ्रू दिस लाइव सेशन बहुत खुशखबरी यही है कि जो एप्लीकेशन में कोर्स चल रहा है वहां पे दो दिन के लिए, दो तीन दिन के लिए 3 जनवरी तक 24% डिस्काउंट चल रहा है। तो यही आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस सेशन, आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको 24% डिस्काउंट ह्यूज ऑफर मिलने वाला है। ओके चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं नॉर्मेटिव थ्योरी का जो टाइप्स है उसको देखते हैं। नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अथॉरिटेरियन, लिबर्टेरियन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोवियत मीडिया थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी, रेवोल्यूशनरी मीडिया थ्योरी। अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी मैं थोड़ा दिखाती हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नॉर्मेटिव मीडिया थ्योरी का एग्जाम्पल, नॉर्मेटिव मीडिया थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ अ मीडिया सिस्टम शुड ऑपरेट टू रिलेज ए बी सी डी ऑप्शन है। तो इसका आंसर करिए, नॉर्मेटिव मीडिया थ्योरी एक्सप्लेन हाउ मीडिया सिस्टम शुड ऑपरेट, इकोनॉमिक गोल, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज, आइडियल सोशल वैल्यूज, लीगल फ्रेमवर्क। व्हाट विल बी द आंसर? आप लोग आंसर करिए।
व्हाट विल बी द आंसर इस क्वेश्चन का? आंसर करिए, नॉर्मेटिव मीडिया एक्सप्लेन, मीडिया थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ मीडिया सिस्टम शुड ऑपरेट टू रिलीज, व्हाट विल बी द आंसर बताइए. तो आंसर इज, वेरी गुड, आंसर इज आइडियल सोशल वैल्यूज, आइडियल सोशल वैल्यूज. चलिए ऊपर देखते हैं थोड़ा, नॉर्मेटिव थ्योरीज देखिए, इसको पढ़िए. नॉर्मेटिव थ्योरीज आर बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड गवर्नमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड गवर्नमेंट. नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ मीडिया फोकस ऑन आइडियल सेटअप फॉर मीडिया सिस्टम, है ना. यहाँ पे भी देखिए कंटेंट में ही आंसर लिखा हुआ है, कंटेंट में ही आंसर है, तो आपको ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है, बस कंटेंट को अच्छे से कंज्यूम करिए, कंटेंट को अच्छे से केयरफुली रीड करिए, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे. इज इट डील सोशल वैल्यूज? यस, इट्स डील विद सोशल वैल्यूज. अकॉर्डिंग टू द सोशल वैल्यू, आइडियल सोशल सिस्टम कैसा है, सोशल वैल्यू क्या है, सब कुछ के ऊपर डील करता है ये. ओके, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखते हैं. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए. कम्युनिस्ट मीडिया फिलोसफी, कम्युनिस्ट मीन्स मीडिया फिलोसफी मीन्स सोवियत मीडिया थ्योरी, सोवियत मीडिया थ्योरी. कम्युनिस्ट मीडिया फिलोसफी बिलीव्स इन यूजिंग द मीडिया फॉर एंटरटेनिंग द मासेस, प्लानिंग साउंड ऑब्जेक्टिव्स, एलिवेटिंग पब्लिक टेस्ट एंड काउंटर रेवोल्यूशनरी मेथड्स. बताइए व्हाट विल बी द आंसर. कम्युनिस्ट मीडिया फिलोसफी बिलीव्स इन यूजिंग द मीडिया फॉर, what will be the answer? Very good Hina ji, very good. पर answer is elevating public test. Okay, elevating public test. चलिए देखते हैं communist media theory में क्या होता है. communist media ideology का और एक question करते हैं वहां से, और देखिए Soviet media theories had its roots. इस question का answer करते हैं. चलिए इस question को करते हैं, तो दोनों question को explain आप करेंगे. So Soviet media theory had its roots. Soviet media theory had its roots in. Very good, Shubhashish ji. Very very good. Answer will be C. Answer will be C. Previous question ka. और यहाँ पे आप answer कर सकते हैं. Soviet media theory had its roots in A, B, C, D. Answer क्या होगा? Answer will be. What will be the answer? आंसर विल बी जर्मन आइडियोलॉजी. चलिए इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कैसे आया ये वाला आंसर. देखिए सोवियत मीडिया थ्योरी, दैट मींस कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी, सोवियत मीडिया थ्योरी मींस कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी, ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी. तो सोवियत मीडिया थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी. द थ्योरी वॉज फॉलोड बाय एडोल्फ हिटलर नाज़ी इन जर्मनी. तो इसीलिए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा जर्मन आइडियोलॉजी. ओके, जर्मन आइडियोलॉजी, ये बेस्ड ऑन एडोल्फ हिटलर, नाज़ी जर्मनी से ये बेस्ड है. इसका रूट कहां से है, एडोल्फ हिटलर नाज़ी जर्मनी से. ओके, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सी. ठीक है, तो नॉर्मेटिव थ्योरी से ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए. अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस, अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस, सॉरी माय बैड, इटालियन फैसिस्ट, नो सुभाषिश जी, इट विल बी जर्मन. अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस, यहां से फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस मींस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी से है. फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस को हम लोग कहां पे, मतलब इज अ पब्लिकेशन ऑफ द ब्रिटिश रॉयल पब्लिकेशन, फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया, हचिन्स कमीशन, द फ्रीडम फोरम. बताइए व्हाट विल बी द आंसर, आंसर क्या है, आंसर विल बी व्हाट विल बी द आंसर, द फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस. ये सब क्वेश्चन कहां से है, नॉर्मेटिव थ्योरी. अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो इस क्लास है, ये क्लास है कि क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है कंटेंट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे. ऐसे ये सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करके ये क्वेश्चन दिया गया है. एंड कंटेंट जब हम लोग पढ़ लेंगे तुरंत आंसर कर सकते हैं. अभी जैसे आप सोच रहे हैं कि कैसे आंसर करना है, जब कंटेंट होगा ना तुरंत आंसर करेंगे. तो इसका आंसर भी सी है, द हचिन्स कमीशन. चलिए इसके ऊपर कंटेंट को थोड़ा देखते हैं, कहां से ये आया है कहां से नहीं. देखिए कंटेंट है अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस. ये प्रपोज कौन किया थे, रॉबर्ट एम हचिन्स. ठीक है, रॉबर्ट एम हचिन्स. किसके लिए, कि प्रेस फ्रीडम कैसा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी से ये बिलोंग करता है. और यहाँ पे
प्रेस का रोल क्या होगा, प्रीवियसली प्रेस मतलब पास्ट में प्रेस कैसे कैसे परफॉर्म किए हैं, प्रेस का फ्रीडम कैसा है, फ्यूचर में प्रेस कैसा काम करेगा एंड प्रेजेंट प्रेजेंट में प्रेस कैसा काम कर रहा है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट दिया गया था जिसका नाम है अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस. अ फ्री एंड कायना जी, वेरी गुड आंसर विल बी सी. सुभाषिश जी, वेरी गुड आंसर विल बी अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस. तो क्वेश्चन ऐसे आता है एंड उसके साथ जब क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप कंटेंट को अच्छे से कंज्यूम करेंगे, कंटेंट को अच्छे से कंज्यूम करेंगे. तो क्लास में हर रोज क्लास में इंटरैक्टिव लाइव सेशन होता है जहां पे कंटेंट क्लैरिटी हो जाता है एंड तुरंत आप लोगों को लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है, उसको सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और भी इंक्रीज होता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. ये क्लास सोम से लेके शुक्रवार तक हर रोज 7:30 से ये क्लास होता है शाम को. तो यू कैन ज्वाइन दिस क्लास एंड ज्वाइन करने के लिए 24% का जो ऑफर है इसको एबल कर सकते हैं. ओके, 24% का ये ऑफर आप एबल कर सकते हैं 3 जनवरी तक. तो हरी अप एंड 3 जनवरी तक 24% का ऑफर अवेल करिए. और ऑफर अवेल करने के लिए आपको जो कूपन डालना है वो सेन अकेडमी, ये कूपन कोड है. ठीक है, इस कूपन को आप डालिए एंड 24% ऑफर अवेल करिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. इसके बाद हम लोग जो क्लासेस लॉन्च करेंगे यूट्यूब में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे पिछले साल हम लोग पिछले साल नहीं पिछले अटेम्प्ट में हम लोग हर रोज PYQs ऑलमोस्ट करते थे. वीकली 2 to 3 days तो होता ही था, 3 days होता ही था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन है वो हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे. अगर आपके आप लोग चाह रहे तो वो सेशन कंटिन्यू होगा आधा घंटा के लिए. 30 minutes हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्री में. ठीक है, फ्री क्लासेस के लिए फ्री क्लास होगा वो. 30 minutes PYQs फ्री क्लासेस फॉर paper 2. ओके, एंड इसके साथ साथ और एक बात है कि paper 1 का भी क्लास आप लोगों के लिए हो रहा है. कहाँ पे? YouTube पे. वो कंप्लीटली फ्री में हो रहा है तो आप लोग उस क्लास का कंटेंट देखिए. प्रीवियस क्लासेस से मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट में बहुत सारा क्वेश्चंस paper 1 से इसी कंटेंट से आया है. तो आप लोग paper 1 जो लोग वहां पे कवर कर रहे हैं वो सभी लोग GRF क्वालिफाइड हैं, तो आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं. उनके ऊपर उनका क्लास लीजिए, अच्छे से कवर करिए कंटेंट को, एक्सेस मतलब कंटेंट को एक्सेस करिए. वो फ्री में होता है यूट्यूब में. सेन एकेडमी UGC नेट बोल के जो चैनल है वहां पे होता है हर रोज. अभी टीचिंग एप्टीट्यूड मींस यूनिट 1 चल रहा है. पेपर 1 का भी यूनिट 1 चल रहा है, पेपर 2 का भी यूनिट 1 चल रहा है. तो आप अभी लेट नहीं किए हैं, अभी ज्वाइन करिए एंड प्रिपरेशन को अच्छे से प्रिपरेशन को मतलब लगातार प्रिपरेशन करते रहिए. ओके, तो चलिए मिलते हैं बाद में आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके. नेक्स्ट हम लोग आएंगे, वो सेशन खूब बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग उस कोर्स का भी मजा ले सकते हैं. ठीक है, वो कंप्लीटली फ्री में होगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो क्लास होगा वो कंप्लीटली फ्री में होगा गाइज. तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर.